जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आप लेके आए हैं प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने जाना था कि अल्कोहल के प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, आपको ये बताया था कि अल्कोहल क्यों रिएक्टिव होता है अंडर केमिकल रिएजेंट्स, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए करनी चाहिए। जनरली अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इंटू इथर्स, एसिटल्स, कीटल्स एंड एस्टर्स टू प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग मल्टी स्टेप सिंथेसिस। आपको बताया था कि मल्टी स्टेप सिंथेसिस के अंदर अगर आपके स्टार्टिंग मटेरियल में सबस्ट्रेट में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वहाँ पर आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे फंक्शनल ग्रुप को ब्लॉक करना पड़ता है, अनरिएक्टिव बनाना पड़ता है। वहाँ पर अल्कोहल को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ये हमको आज डिस्कस करना है। अल्कोहल को अनरिएक्टिव बनाने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए हम अल्कोहलिक ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं इथर में, एसिटल में, कीटल में या फिर एस्टर में। इथर्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर अल्कोहल्स। बच्चों आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम लोग ये जानेंगे कि अल्कोहल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इथर बना के। इथर्स आर फाउंड स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट एंड ऑर्गेनोमेटलिक्स। बच्चों इथर की एक खास बात होती है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो कॉमन केमिकल रिएजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, इजीली रिएक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप रिएक्शन में बात करें तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑर्गेनोमेटलिक्स कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, और ये इनके अगेंस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग मल्टी स्टेप सिंथेसिस में अल्कोहल को इथर में कन्वर्ट करना प्रीफर करते हैं। So during protection of alcohols, they are converted into certain ethers by using triphenyl methyl chloride, benzyl chloride, trialkyl silyl chloride, because they can be cleaved or deprotected under milder conditions. यहाँ पे एक सवाल है बच्चों, जब हमारा functional group ether जो होता है वो common chemical reagents की against least reactive होता है, react नहीं करता है, तो फिर आप यहाँ पे alcohol को बचाने के लिए protect क्यों कर रहे हैं? फिर तो बाद में वो अगर आप उसको डी प्रोटेक्ट करेंगे यानी इथर से वापस अल्कोहल बनाएंगे तो वो नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, होता क्या है कि सारे के सारे इथर जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव नहीं होते हैं। कुछ कॉमन इथर ऐसे होते हैं जो हम लोग अल्कोहल को ब्लॉक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और बाद में वो अंडर माइल्डर कंडीशंस जो होते हैं इजीली क्लीव होके वापस अल्कोहल दे देते हैं। उनमें से आप देखेंगे ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, जिसको ट्रिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड, यहाँ पे ये कुछ कॉमन रिएजेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग अल्कोहल को इथर में बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, हर एक इथर ग्रुप अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना है, कुछ सिलेक्टेड इथर ही हैं जो अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो बच्चों पहला लेंगे हम लोग ट्राईफिनाइल मिथाइल इथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर ट्राईफिनाइल मिथाइल इथर ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे, और सिंपली आप कह सकते हैं कि हम लोग अल्कोहल को ट्राईफिनाइल मिथाइल इथर में कन्वर्ट कर देंगे। अब सवाल है कि क्यों ऐसा करें। इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू प्रोटेक्ट मेनली प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन। बच्चों आप देखेंगे कि जब आपके सबस्ट्रेट में या कंपाउंड में एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं तो वहां पे सिलेक्टिविटी यूज करनी पड़ती है। आपको देखना होता है कि डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप प्रोटेक्ट करना है, प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। जो हमारा ट्राईफिनाइल मिथाइल इथीरियल ग्रुप हमको अल्कोहल में लेके आना है वो केवल प्राइमरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोपेप्टाइड्स। आप देखेंगे कि ओलिगोन्यूक्लियोपेप्टाइड्स में प्राइमरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राईफिनाइल मिथाइल इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है, और एक खास बात और भी है कि यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद डी प्रोटेक्शन करना इजियर होता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले आइए, उससे हमारा ये ट्राईफिनाइल मिथाइल इथर ग्रुप हट जाएगा और वापस हमको हमारा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मिल जाएगा। ये हमारा बच्चों एग्जाम्पल है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना होता है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3
तीन एल्कोहलिक, तीन ओएच ग्रुप लगे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए इन तीनों एल्कोहलिक ग्रुप की नेचर अलग है। यहाँ पर ये जो आप दो एल्कोहलिक ग्रुप देख रहे हैं ये हमारे सेकेंडरी हैं, ये सेकेंडरी है, लेकिन ये वाला जो ओएच ग्रुप है बच्चों ये प्राइमरी है। तो मान लीजिए आपको रिएक्शन के बाद ये ओएच ग्रुप चाहिए वहाँ पे, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से H हटेगा ये वाला, और यहाँ से Cl ये रिएक्ट करके HCl बना के बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इस कार्बन पे तीन फिनाइल आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और अगर आपको पहला प्रिंसिपल याद हो तो यहाँ पे बल्की ग्रुप हमने लगाया है, और ये बल्की ग्रुप जो प्रिंसिपल में बताया था ये क्या करता है, ये यहाँ पे लोन पेयर को दबा लेता है, सप्रेस करता है, ये इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं रिएक्शन के अंदर। तो रिएजेंट को ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन अब जो है अवेलेबल नहीं रहा है, और ये हमारा एल्कोहलिक ग्रुप इथर में कन्वर्ट होने के बाद नॉन रिएक्टिव बन चुका है। तो हमने यहाँ पे OH को इथर में कन्वर्ट किया है, ये स्टेप कहलाता है बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। उसके बाद आप देखिए हम लोगों को मान लीजिए रिएक्शन पूरा हो गया है, तो उसके बाद हमको ये इथर ग्रुप जो है वापस एल्कोहलिक ग्रुप में चाहिए। सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिएगा, बाकी को मत देखिए। तो मान लीजिए हमको ये वापस चाहिए, तो उसको बोलते हैं डी प्रोटेक्शन, और इसके लिए हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। आप जानते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, तो बच्चों इनमें से कोई भी आप इजीली जो आपको मिले वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कीजिए। वापस यहां से एथेरियल लिंकेज आपका ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप में। तो सेकंड लेते हैं बच्चों बेंजाइल इथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। यहां पे हम लोग एल्कोहल को प्रोटेक्ट करेंगे बेंजाइल इथर में कन्वर्ट करके। Alcohols are converted into benzyl ethers by heating them with benzyl chloride in presence of pyridine. यहाँ पे हम लोग alcohol को benzyl chloride के साथ pyridine की presence में heat करते हैं, जिससे alcohol convert हो जाता है benzyl ether में। ध्यान रखिएगा डी प्रोटेक्शन करने के लिए हमको यहाँ पर रिडक्शन करना पड़ता है पैलेडियम चारकोल की presence में हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद। तो बच्चों देखिए ये हमारा एल्कोहल है, ये हमने लिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एच एल्कोहल का, और यहाँ से बेंजाइल क्लोराइड का सीएल या एससीएल बना के बाहर निकल गया, और ये पूरा जो ग्रुप है ये ऑरेंज इंक से दिखाया हुआ है ये यहाँ पे कंबाइन हो गया। तो देखिए आपके कंपाउंड में OH ग्रुप रहा ही नहीं है, ये तो इथर में कन्वर्ट हो गया। इथर भी कौन सा है, इथर है हमारा बेंजाइल इथर, कॉमन नेम दिया है बच्चों। और ये प्रोसेस जिसमें एल्कोहल को आपने इथर में कन्वर्ट किया है कहलाएगा प्रोटेक्शन। उसके बाद आपने यहाँ पर रिडक्शन किया है पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास किया, ये वाला एथेरियल बॉन्ड जो है ये यहाँ से क्लीव हो जाएगा और वापस आपको आपका एल्कोहल मिल जाएगा। ये स्टेप कहलाएगा डी प्रोटेक्शन। बच्चों डी प्रोटेक्शन हम लोग रिएक्शन के बाद करते हैं, प्रोटेक्शन हम लोग पहले करते हैं उस ग्रुप को बचाने के लिए। तीसरा लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल इथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। यहाँ पे हम लोग एल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल इथर में। एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल इथर व्हेन दे आर ट्रीटेड विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बच्चों एल्कोहल का रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से कराते हैं, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल इथर में। डी प्रोटेक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज डन अंडर डाइल्यूट एसिड। बच्चों ध्यान रखिएगा अगर आप वापस अपने एल्कोहलिक ग्रुप चाहते हैं तो वहाँ पर आपको टर्शियरी ब्यूटाइल इथर ग्रुप को हटाने के लिए डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, और ये इजीली आपको माइल्डर एसिडिक कंडीशन में आप ऐसा कर पाएंगे। एग्जांपल को देखिए, यहाँ हमारा एल्कोहल है, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे कैटालिटिक प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से H और ये Cl निकला, माइनस HCl निकल जाएगा, और ये आपका एल्कोहल जो है सिंपली कन्वर्ट हो गया है टर्शियरी ब्यूटाइल इथर में। उसके बाद आपने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लिया, इसको हल्का सा हीट करते हैं और ये वापस आपको मिल जाएगा आपका एल्कोहल। तो पहले हमने एल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कन्वर्ट किया टर्शियरी ब्यूटाइल इथर में, बाद में वापस एल्कोहल ग्रुप करने के लिए हमने डी प्रोटेक्शन किया एसिडिक कंडीशन में, और हमारा ब्यूटाइल इथर कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। तो ये था हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल इथर से प्रोटेक्शन। और बच्चों चौथा रहेगा हमारा ट्राई एल्काइल सिलाइल इथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। यहाँ पे हम लोग एल्कोहल को डिफरेंट ट्राई एल्काइल सिलाइल इथर में कन्वर्ट करके बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राई सॉरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राई ब्यूटाइल डाई फिनाइल सिलाइल क्लोराइड आर यूज टू कन्वर्ट एन एल्कोहल इंटू ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर। बच्चों ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर जो होता है ये कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की अगर आप टाइप चेंज करते रहेंगे तो आप बहुत सारे ट्राई सिलाइल इथर पॉसिबल हो जाएंगे, बन जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से देखेंगे तो एल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ हमारा सेम है। तो यहाँ पे हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन इन में से किसी भी कॉमन ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राई एल्काइल सिलाइल इथर में। कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं, वो रहता है हमारा ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। डी प्रोटेक्शन इज डन अंडर एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो बच्चों देखिए ये हमारा एल्कोहल है, यहाँ पे हम लोग उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसका रिएक्शन कराया है ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ प्रीडीम बेस की प्रेजेंस में। आप देख पा रहे हैं यहाँ से H, इसका Cl, HCl बना के बाहर निकल जाएगा और ये पूरा देखिए ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है, बल्की ग्रुप है। आप देख पा रहे हैं बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा सर, ये इसके लोन पेयर को बाहर नहीं जाने देगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वही प्रिंसिपल पहला जो पहली वीडियो में बताया था कि एल्कोहल को प्रोटेक्ट करने में हम लोग जो वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं एल्कोहल में, वो इसलिए लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उसका लोन पेयर ईजिली अवेलेबल ना हो पाए। तो यहाँ पे ये हमने प्रोटेक्शन किया एल्कोहलिक ग्रुप का को कन्वर्ट करके ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर में। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डाइल्यूट एसिडिक या बेसिक कंडीशन में जैसे आप उसको हीट करेंगे आपका वापस एल्कोहल ग्रुप जनरेट हो जाएगा एंड इट इज नोन एज सिंपली डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों आज हमने प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल में जाना कि कैसे हम लोग एल्कोहल को डिफरेंट अलग अलग इथर में कन्वर्ट करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे वहां पर डी प्रोटेक्शन किया जाता है रिएक्शन के बाद। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग लेके आएंगे प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल बाय डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जैसे कि हम लोग वहां पे एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एस्टर में, एसीटल में, कीटल में। क्लियर है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक।